ये इस वक्त जो हो रहा है वो उसकी बातें की, आपने सूट की बात की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 10 लाख का सूट पहना था जी। सूट तो चलिए कपड़े कपड़े होते हैं, कोई पहन ले, लेकिन मैं मेरा कहने का मतलब ये था जो मैंने आपको कहा कि डेमोक्रेसी लीड करती है टू करप्शन, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं एक एक सेकंड, डेमोक्रेसी क्योंकि फेवरेटिज्म को मांगती है, जब जब आप फेवर लेते हैं लोगों से जी पैसे की, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, क्योंकि जो करप्शन है वो एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है टू डेवलप डेमोक्रेसी, टू प्रोग्रेस डेमोक्रेसी। प्रोग्रेस वो जो करप्शन होती है वो पॉलिटिशियंस को वो काम नहीं करने देती जो लोगों के लिए होते हैं। तो मेरा मेन मकसद था बात करने का कि जो इस वक्त फेवरेटिज्म चल रहा है जी, और जो फिर वो बाद में उसकी मतलब देना पड़ता है, उसका जो भी आपने लिया है उसका देना भी तो पड़ता है ना, ये तो है नहीं कि आप नहीं देंगे। तो ये इसको किस तरीके से आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में रोका जा सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपकी बात से असहमत हूँ और विनम्रता से क्षमा मांगते हुए मैं कुछ नहीं बोलना नहीं चाहूंगा। नहीं आप देखिए बोलिए। हाँ, शब्दों का थोड़ा सा यहाँ फेर है। मैंने ये बोला था कि डेमोक्रेसी कुछ लूप होल्स को बाय डिफॉल्ट जो है जनरेट करती है, पैदा करती है। एक स्टेटमेंट जो बहुत पुराने लोग इंटेलेक्चुअल बोलते हैं कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, लीड करने का मतलब ये होता है कि विलफुली जहां डेमोक्रेसी ये बोलती हो कि आप करप्ट करिए। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, हमारे संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि करप्शन को जो है लीड किया जाए, करप्शन को बढ़ावा दिया जाए। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम में करप्शन आता कैसे है? बाय डिफॉल्ट जो होते हैं, जो लीनियंसी मैंने बात की डेमोक्रेसी में होता है, उसका मिसयूज करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रिंसिपल्स कभी अलाउ नहीं करता, कभी इस चीज को प्रमोट नहीं करता करप्शन, लेकिन करप्शन है। अब है क्यों, पहले इस चीज को समझ ले। उसमें डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम का सर रोल नहीं है, वो कभी भी नहीं बोलती है। उसमें रोल ये है, जो करप्ट होता है, मैं आपको बता दूं, वो दो ही तरीके से होता है, या तो बाई नेचर होता है या परिस्थितियों के कारण वो इतना फोर्स जो होता है कि उसको जरूरत होती है। जैसे एक लड़का 10 दिन से भूखा है, उसने ब्रेड चुरा लिया, तो ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज है, करप्शन है। अब ये जनरेट क्यों हो रही है, मैं इस चीज को समझ लूं। मैंने आपको यही बोला कि एक ड्राइविंग व्हीकल है, ड्राइवर कैसा है। अगर पब्लिक यहाँ पे जागरूक हो जाए, हमारी लीडरशिप जागरूक हो जाए और ये डिसाइड कर ले कि हम किसी भी करप्ट आदमी को सिस्टम में नहीं पहुंचने देंगे, तो डेमोक्रेसी में जो लीनियंसी दी गई है, जाने अनजाने में उसका बेनिफिट उठाना या गलती से वो चीजें कर देना, एक एक आदमी करता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, वोट जब पड़ेगा तो मैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम और प्रिंसिपल की एक्सपेक्टेशन ये है, इलेक्शन कमीशन भी डिक्लेयर करता है कि आप अपने वोट को सोच समझ के दें। लेकिन यहां पे जो वोटिंग होती है वो इमोशनल वोटिंग होती है। इमोशनल वोटिंग कैसे होती है, आदमी कितना भी खराब हो, हमारे वो चाचा है, ताऊ है, उन्होंने हमारे लिए ये किया था, वो किया था, हम तो उनको ही देंगे। लार्जर पर्सपेक्टिव में यहाँ का जो जनता है, हम जैसे लोग, हमारी भी जिम्मेदारी है। देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम का या हमारे संविधान का एक चीज और है, पावर को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। रूल करने वाले लोगों के हाथों में पावर तो बहुत दिया गया है, एक चीज को छोड़ दिया गया है सर, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अथॉरिटी की बात तो सब करते हैं, और अथॉरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक ऑफिसर हो गया, उसको सब पता होगा मेरी अथॉरिटी क्या है। वो बोलता है तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, मेरे डंडे में कितनी ताकत है। लेकिन हमको जो ज्यादा फोकस करना चाहिए था, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अगर आप बोल रहे हैं यूके और अमेरिका अगर बोलते हैं, तो मुझे लगता है वहां जो टर्मोइल हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पब्लिक को समझाया गया, पब्लिक को एजुकेट करने में कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी से पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करिए, आप अपनी ड्यूटीज की बात करिए, जिक्र हमारे संविधान में भी है, लेकिन वो चीजें कहीं पीछे हट गई ना। आज उसके बारे में कोई कोचिंग दी जाती है, ना कोई ड्राइव शुरू किया जाता है। एक ड्राइव प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, स्वच्छता वगैरह का ये जो अभियान शुरू किया था, ये उसी तरीके, वो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट में नहीं मानता हूं, वो एक एजुकेशन सिस्टम था डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कि पब्लिक को अवेयर किया जाए बीमारियों से, आपको बिहेव कैसे करना है। चाइना में भी किया, अभी ये जब ओलंपिक हो रहा था तो चाइना ने पर्टिकुलर बिहेव कैसे किया जाए,
आपके बॉडी लैंग्वेज क्या हो, इस चीज की बहुत बड़ी ट्रेनिंग और मुहिम अपने पूरे देश में चलाई थी ताकि उसकी इमेज खराब ना हो जब सारे इंटरनेशनल गेस्ट और पब्लिक वहां पे आएगी। अब ये करप्शन है और ये बाई डिफॉल्ट है सर, बाई डिफॉल्ट ये है, अगर एक कार बनती है या कोई सिस्टम चलता है तो एनर्जी वेस्ट होती है, अगर इतना बड़ा सिस्टम है तो वहां पे लीनियंसी है, लीनियंसी के कारण लूप होल है और आदमी अपने कमी के कारण अपने अपने फायदे के लिए उसको करप्ट वे में उन चीजों को इंप्लीमेंट करता है, बच के निकल जाता है।